वेलकम बैक माय डियर किड्स, हाउ आर यू? आई एम पायल, योर साइंस टीचर. वी आर लर्निंग आवर साइंस बुक बाय ब्रेन रूट सीरीज. द नेम ऑफ आवर बुक इज साइंस स्पार्क क्लास 1 और हमारे चैप्टर का नाम है फूड्स फ्रॉम प्लांट्स. खाना जो हमें किससे मिलता है? प्लांट से, पेड़ पौधों से. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न, इस चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे? प्लांट्स गिव्स अस फूड. हम पढ़ेंगे कि प्लांट हमें क्या देते हैं? खाना देते हैं. जो भोजन हम करते हैं वो हमें किससे मिलता है? प्लांट से मिलता है. तो चलिए उनके बारे में पढ़ते हैं. बिफोर वी स्टार्ट वी हैव टू डू वार्म अप. तो चलिए एक वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं. टिक द थिंग्स डेट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स. आपको पता है हमें प्लांट्स से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं. तो यहाँ पर एक ट्री की पिक्चर है और क्या है उसमें? बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों की पिक्चर है. आपको उनको टिक करना है, उन चीज़ों को टिक करना है जो हमें किससे मिलती है? प्लांट से मिलती है. तो चलिए सबसे पहली पिक्चर है फिश. फिश हमें प्लांट से मिलती है? नहीं. नेक्स्ट पिक्चर है हमारी मस्क मेलन की. मस्क मेलन मतलब खरबूजा. खरबूजा हमें प्लांट से मिलता है? यस. तो हम इस पे क्या करेंगे? टिक करेंगे. नेक्स्ट पिक्चर है वाटरमेलन की, तरबूज. तरबूज हमें किससे मिलता है? पेड़ों से मिलता है. तो हम वाटरमेलन पे भी क्या करेंगे? टिक करेंगे. इसी तरह आप बाकी पिक्चर्स को देखेंगे और जो चीज़ें हमें प्लांट से मिलती है उन पर आप टिक करेंगे. प्लांट्स आर वेरी यूजफुल टू अस. मोस्ट ऑफ आर फूड्स कम फ्रॉम प्लांट्स. बच्चों पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं. हमें बहुत सी चीज़ें मिलती हैं किन से? पेड़ों से. और जो हम खाना खाते हैं, हम जो भोजन ग्रहण करते हैं, वो भी हमें किससे मिलता है? प्लांट्स से मिलता है. जैसे फल, सब्जियाँ, और क्या मिलता है आपको? ऑयल मिलता है प्लांट से. और भी बहुत सारी चीज़ें हमें प्लांट से मिलती हैं. प्लांट्स गिव अस फूड. प्लांट्स हमें क्या देते हैं? खाना देते हैं. वी गेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम प्लांट्स. वी ऑल्सो गेट सीरियल्स एंड पल्सेस फ्रॉम प्लांट्स. सम प्लांट्स गिव अस कॉफ़ी, टी एंड शुगर. वी ऑल्सो गेट ऑयल एंड स्पाइसेस फ्रॉम प्लांट्स. प्लांट्स हमें क्या देते हैं? फल देते हैं, सब्जियाँ देते हैं, और जो हम दालें खाते हैं और अनाज खाते हैं ये भी हमें किन से मिलता है? पेड़ पौधों से मिलता है. आप सब ने अपनी किचन में ऑयल देखा होगा, तेल, जिसमें मम्मा क्या करती हैं? खाना बनाती हैं. सनफ्लावर ऑयल होता है, सोयाबीन ऑयल होता है, ये सब हमें किससे मिलते हैं? प्लांट्स से मिलते हैं. आप सबको टी और कॉफ़ी पीना अच्छा लगता है. आपकी मम्मा को चाय पीना पसंद है और बच्चों को क्या पसंद है? कोल्ड कॉफ़ी. तो आपको कॉफ़ी किससे मिलती है? प्लांट से. और टी भी हमें किससे मिलती है? प्लांट से. और आपकी कॉफ़ी में मिठास किससे आती है? शुगर से. तो शुगर हमें किससे मिलती है? प्लांट से. और हमें प्लांट से क्या मिलता है? जो हम खाना खाते हैं उसमें टेस्ट किससे आता है? अगर आपकी मम्मा आपके खाने में सॉल्ट नहीं डालेंगी, नमक मिर्च नहीं डालेंगी, क्या आपको वो खाना अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा. तो पेड़ पौधों से हमें स्पाइसेस मतलब मसाले भी मिलते हैं. नाउ वी विल लर्न अबाउट वेजिटेबल्स. अब हम सब्जियों के बारे में पढ़ेंगे. वी ईट रूट्स एंड स्टेम्स ऑफ प्लांट्स एज वेजिटेबल्स. हम कुछ पेड़ पौधों की जड़ें और तना खाते हैं किसके रूप में? भोजन के रूप में. वी ऑल्सो ईट लीव्स एंड फ्लावर्स ऑफ प्लांट्स एज वेजिटेबल्स. और हम कुछ पेड़ों की पत्तियां और फूल भी खाते हैं एज अ वेजिटेबल, सब्जियों के रूप में. नाउ आई विल टेल यू वन इंटरेस्टिंग थिंग. एक बहुत अच्छी चीज़ बताती हूँ आपको. एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे. अगर आप रोज एक एप्पल खाएंगे तो उससे क्या होगा? डॉक्टर आपसे दूर भाग जाएगा. क्योंकि एक एप्पल क्या होता है? रिच होता है किसमें? आयरन में. और जब आप एप्पल खाएंगे तो आप हेल्दी रहेंगे, स्ट्रांग रहेंगे. तो डॉक्टर क्या होगा? आपसे दूर भागेगा.
अब मैं आपको बताऊंगी प्लांट्स की रूट्स कौन कौन सी होती हैं, जड़े जिन्हें हम किस में भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, सब्जियों के रूप में। बीट रूट किसे कहते हैं? चकुंदर को। कैरेट, गाजर, रेडिश, मूली एंड टर्निप, शलगम, ये सब क्या हैं? ये प्लांट्स की रूट्स होती हैं जिन्हें हम सब्जियों के रूप में खाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि हम पेड़ों की कुछ लीव्स को खाते हैं एज अ वेजिटेबल, जैसे पालक, पत्ता गोभी, मिंट, कोरिएंडर, मतलब मिंट किसे कहते हैं हम, पुदीना, धनिया, पालक और पत्ता गोभी, ये सब क्या होती हैं? ये सब प्लांट्स की लीव्स होती हैं जिन्हें हम वेजिटेबल के रूप में खाते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, पोटैटो एंड जिंजर ग्रो अंडर द ग्राउंड बट दे आर स्टेम्स नॉट रूट। आपको पता है बच्चों, आलू और अदरक कहाँ उगती हैं? ग्रो अंडर द ग्राउंड, जमीन के अंदर होती हैं, बट दे आर स्टेम्स, लेकिन इन्हें हम क्या कहते हैं, स्टेम्स कहते हैं, रूट नहीं कहते। जमीन के अंदर उगने के बावजूद भी हम उन्हें स्टेम्स कहते हैं, रूट नहीं कहते। नाउ वी विल लर्न अबाउट स्टेम्स, अब हम स्टेम्स के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, खाते हैं। पोटैटो, अभी मैंने आपको बताया था पोटैटो क्या है, स्टेम है, होता जमीन के अंदर है, लेकिन हम इसे क्या कहते हैं, स्टेम कहते हैं। जिंजर, ओनियन, मतलब आलू, अदरक, प्याज, ये सब क्या है, पेड़ की स्टेम है जिसे हम भोजन के रूप में खाते हैं। फ्लावर्स, पेड़ों के वो कौन से फ्लावर्स हैं, कौन से फूल हैं जिन्हें हम वेजिटेबल के रूप में खाते हैं। ब्रोकली एंड कॉलीफ्लावर, फूल गोभी और ब्रोकली, इन्हें भी हम एज अ वेजिटेबल खाते हैं। फ्रूट्स, वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स के हम फ्रूट्स भी खाते हैं, मैंगो, ग्रेप्स, ऑरेंज, एप्पल, बनाना, चेरीज, कौन कौन से, एप्पल, बनाना, चेरीज, और क्या खाते हैं हम, मैंगो, ग्रेप्स, ये सब हमें पेड़ पौधों से मिलते हैं, ये सब क्या है, पेड़ पौधों के फ्रूट्स हैं जिन्हें हम खाते हैं। चलिए अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, अ स्ट्रॉबेरी हैज अप्रॉक्सीमेटली 200 सीड, एक स्ट्रॉबेरी में लगभग 200 सीड्स होते हैं, 200 बीज होते हैं, दिखने में तो इतनी छोटी सी होती है स्ट्रॉबेरी, लेकिन उसमें 200 के करीब क्या होते हैं, छोटे छोटे सीड्स जिन्हें हम बीज कहते हैं। नाउ वी विल लर्न अबाउट सीरियल्स एंड पल्सेस, अब हम अनाज और दालों के बारे में पढ़ेंगे। राई, वीट एंड मेज आर सीरियल्स, चावल, गेहूं और मक्का, ये सब क्या है, सीरियल्स हैं, अनाज हैं जिन्हें हम खाते हैं, ये हमें किन से मिलते हैं, पेड़ पौधों से। अरहर, मूंग, किडनी बीन्स एंड ग्राम्स आर पल्सेस, आप सब दालें खाते हैं, नहीं खाते लेकिन दालें खानी चाहिए, अरहर की दाल, मूंग की दाल, ग्राम मतलब चना, किडनी बीन्स किसे कहते हैं हम, राजमा को, सब बच्चों को राजमा चावल पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद है, मेरी मम्मा मेरे लिए रोज़ बनाती हैं, अगर मैं कहती हूँ नहीं, लेकिन हमें रोज़ एक चीज़ नहीं खानी चाहिए, हमें चने भी खाने चाहिए, राजमा भी, दालें भी, ये सब क्या बनाती हैं, हमें हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, ये सब दालें और चना, राजमा हमें पेड़ पौधों से मिलते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, सीरियल्स एंड पल्सेस टुगेदर आर कॉल्ड फूड ग्रेन, सीरियल्स और पल्सेस एक साथ क्या कहलाते हैं, फूड ग्रेन्स कहलाते हैं। नाउ वी विल लर्न अबाउट स्पाइसेस, अब हम पढ़ेंगे मसालों के बारे में। स्पाइसेस हमारे फूड में क्या लाते हैं, टेस्ट लाते हैं और कलर लाते हैं। स्पाइसेस एड टेस्ट टू आवर फूड, देखिए मैंने अभी आपको बताया था
कि मसाले हमारे भोजन में क्या लाते हैं, स्वाद लाते हैं. सम ऑफ द स्पाइसेस आर चिली, मस्टर्ड सीड्स, ब्लैक पेपर, क्लॉव, कैरडमन, सिनामन एसेट्रा. कुछ मसाले क्या हैं? चिली मतलब लाल मिर्च, हरी मिर्च, मस्टर्ड सीड मतलब राई के दाने, काली मिर्च, लौंग और कार्डोमन किसे कहते हैं हम, इलायची को. ये सब हमें किससे मिलती हैं? पेड़ पौधों से मिलते हैं. डू यू नो, क्या आप जानते हैं, टी, कॉफ़ी एंड शुगर ऑल्सो कम फ्रॉम प्लांट्स. चाय, कॉफ़ी और चीनी भी किससे मिलती है, पेड़ पौधों से मिलती हैं. टी कम फ्रॉम द टी प्लांट, चाय हमें चाय के पेड़ से मिलती है. कॉफ़ी कम्स फ्रॉम द कॉफ़ी बीन्स, कॉफ़ी बीन्स से हमें क्या मिलती है, कॉफ़ी. शुगर कम्स फ्रॉम स्टेम ऑफ द शुगर केन, शुगर केन कहते हैं गन्ने को. गन्ने से क्या बनती है, चीनी बनती है. देखिए शुगर केन से क्या मिलती है हमें, शुगर मिलती है. नाउ टेस्ट योर स्किल्स, तो जितना आपने पढ़ा उसके बेस पर अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं. नेम टू लीफी वेजिटेबल्स, अब आपको दो पत्तेदार सब्जियों के नाम लिखने हैं. कौन कौन सी होती हैं, स्पिनच, SPINACH स्पिनच, एक आप खुद सोच के लिखेंगे. नेक्स्ट, नेम टू फ्रूट्स डेट वी ईट एज अ वेजिटेबल, अब दो फ्रूट्स के नाम लिखेंगे जिन्हें हम कैसे खाते हैं, वेजिटेबल के रूप में. तो टोमेटो, टोमेटो भी क्या होता है, फ्रूट होता है, लेकिन हम उसे एज अ वेजिटेबल खाते हैं. नाउ वी विल गो इन फ्लैशबैक, चलिए जल्दी से अब फ्लैशबैक में जाते हैं. वी ईट मोस्ट ऑफ आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स, जो हम भोजन खाते हैं अधिकतर हमें किससे मिलता है, पेड़ पौधों से मिलता है. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर गुड फॉर हेल्थ, फल और सब्जियां सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं. सीरियल्स एंड पल्सेस आर टुगेदर कॉल्ड फूड ग्रेन. स्पाइसेस ऐड टेस्ट टू आवर फूड, मसाले हमारे भोजन में स्वाद लाते हैं. शुगर, टी एंड कॉफ़ी आर ऑल्सो प्लांट्स प्रोडक्ट, चाय, कॉफ़ी और चीनी भी क्या है, पेड़ पौधों द्वारा दी गई सामग्री है. तो चलिए अब लेसन के बेस पर हम क्या करते हैं, कुछ एक्सरसाइजेस, और देखते हैं आपने कितना सीखा. फर्स्ट, टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन पे टिक का निशान लगाना है. विच ऑफ दीज इज अ रूट डेट वी ईट, यहाँ पे चार नाम दिए हुए हैं, आपको बताना है उसमें से रूट क्या है, जड़ क्या है जिसे हम खाते हैं. बीट रूट, पोटैटो, कैबेज और ब्रोकली, तो करेक्ट ऑप्शन है बीट रूट, चकुंदर जिसे हम एज अ रूट खाते हैं. जिंजर इज अ, जिंजर क्या है, फ्रूट, स्टेम, लीव और फ्लावर, जिंजर है स्टेम. नंबर थ्री, वी डू नॉट ईट द स्टेम ऑफ, हम किसकी स्टेम नहीं खाते, जिंजर, ओनियन, पोटैटो और नीम, हम नीम की नहीं खाते. नीम क्या होता है, एक कड़वा पौधा है जो मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल होता है. राइस, वीट एंड मेज आर, चावल, मक्का और गेहूं क्या है. पल्सेस, बेवरेजेस, सीरियल्स और स्पाइसेस, ये तीनों हैं सीरियल्स. नाउ एक्सरसाइज बी, गिव टू एग्जांपल ऑफ ईच, यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हुई हैं, आपको उनके दो दो उदाहरण लिखने हैं. पार्ट्स ऑफ अ प्लांट वी ईट एज, सीड्स, हम प्लांट्स के कौन कौन से सीड्स खाते हैं, आपको उन दो के नाम लिखने हैं. देन रूट्स, दो रूट्स लिखनी हैं जिन्हें हम एज अ वेजिटेबल खाते हैं. स्टेम्स, लीव, फ्लावर्स एंड फ्रूट, इन सब के आप दो दो एग्जांपल लिखेंगे. अभी मैंने आपको चैप्टर में इन सब के बारे में बताया. एक्सरसाइज बी यू विल डू बाय योरसेल्फ. नाउ एक्सरसाइज सी, फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, आपको फिल इन द ब्लैंक्स करनी है, खाली स्थान भरने हैं. दो ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से सही ऑप्शन को
देखकर या चुनकर. वी गेट फूड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ, हमें फूड मिलता है किसके डिफरेंट पार्ट से, प्लांट्स या फर्नीचर. करेक्ट वर्ड इज प्लांट्स, तो हम यहाँ लिखेंगे प्लांट्स, PLANTS, प्लांट्स. रूट्स एंड स्टेम ऑफ अ प्लांट्स आर, प्लांट की जड़ और तना क्या है, वेजिटेबल है या सीरियल्स है, वो है वेजिटेबल्स, तो आप यहाँ लिखेंगे वेजिटेबल्स. नंबर थ्री, डैश एंड डैश आर लीव्स, यहाँ पर दो नाम दिए हुए हैं, आपको बताना है उनमें से लीव्स क्या हैं, ओनियन एंड रेडिश या फिर स्पिनच एंड लेक्टिस. तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन है स्पिनच, तो आप ये दोनों नाम यहाँ पर लिखेंगे. नाउ नंबर फोर, राइस एंड बीट्स आर, राइस चावल और गेहूँ क्या हैं, पल्सेस हैं या सीरियल्स हैं, वो सीरियल्स हैं, CERIALS, तो करेक्ट वर्ड सीरियल्स आपने खाली जगह में लिख दिया. नंबर फाइव, स्पाइसेस ऐड डैश टू आर फूड, स्पाइसेस क्या ऐड करते हैं हमारे फूड में, टेस्ट या सॉल्ट, करेक्ट वर्ड है टेस्ट, तो आप यहाँ पे लिखेंगे टेस्ट. नाउ एक्सरसाइज डी, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग, यहाँ पे कुछ बातें बताई हुई हैं, अगर वो सही है तो आप ट्रू लिखेंगे, अगर वो गलत है तो आप फॉल्स लिखेंगे. नंबर वन, प्लांट्स गिव्स अस फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, प्लांट हमें फल और सब्जियां देते हैं, यस दिस इज ट्रू, हम लिखेंगे इसके लिए ट्रू. पोटैटो इज अ रूट, पोटैटो रूट है, नो पोटैटो क्या है, स्टेम है. नंबर थ्री, किडनी बीन्स आर सीरियल्स, किडनी बीन्स सीरियल्स हैं, नो दे आर पल्सेस, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉल्स. नंबर फोर्थ, पल्सेस ऐड टेस्ट टू आर फूड, पल्सेस हमारे खाने में स्वाद लाती हैं, नो हमारे खाने में स्वाद कौन लाता है, स्पाइसेस. नाउ एक्सरसाइज ई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको उनके आंसर लिखने हैं, तो चलिए जल्दी से मैं आपको एक बार क्वेश्चन समझाती हूँ. नंबर वन, व्हाई डू वी नीड फूड, हमें फूड क्यों चाहिए, वी नीड फूड टू लिव एंड ग्रो, हमें जीने और बढ़ने के लिए खाना चाहिए. राइट द नेम्स ऑफ टू फ्रूट्स एंड टू वेजिटेबल यू लाइक द मोस्ट, आपको आपकी पसंद की दो फ्रूट्स और दो वेजिटेबल्स के नाम लिखने हैं जो आपको बहुत पसंद है. नंबर थ्री, नेम टू वेजिटेबल्स डेट आर ईटन रॉ, दो ऐसी सब्जियों के नाम लिखिए जिन्हें आप कच्चा खाते हैं, कौन कौन सी है, कैरेट एंड रेडिश जिसे हम बिना पकाए भी खा सकते हैं. विच सीरियल्स डू यू यूजली ईट एवरी डे, वो कौन सा सीरियल है जिसे आप रोज खाते हैं, हम रोज क्या खाते हैं, चपाती खाते हैं, चपाती किससे बनती है, वीट से. नंबर फाइव, व्हाई डू वी यूज स्पाइसेस, हम स्पाइसेस क्यों यूज करते हैं, बिकॉज स्पाइसेस ऐड टेस्ट टू आवर फूड, तो एक बार आप अच्छे से अपना चैप्टर रीड करेंगे और सभी क्वेश्चंस के आंसर अपनी नोटबुक में लिखेंगे. सो इन दिस चैप्टर वी हैव लर्न अबाउट फूड फ्रॉम प्लांट्स, हमने इस चैप्टर में उन सब खाने की चीज़ों के बारे में पढ़ा जो हमें पेड़ों से मिलती हैं. आई होप यू लाइक दिस वीडियो, स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय.